हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिस्कशन किया था अबाउट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मेनली हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी, जहाँ पर हमने अलग अलग केसेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे स्टार्ट किया था ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्सेस, और तीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, एक MA6 और MA5B टाइप जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। फिर हमने बात की थी MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स की, जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है लेकिन सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। उसके बाद हम लोग ने बात की थी फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स की। ठीक है, तो फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स में आपने देखा था कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स होता है MA3B3 टाइप। ठीक है, तो अगर आपके तीनों लिगेंड्स अगर ऑक्टाहेड्रन के फेस के अलोंग लाई कर रहे हैं, उसे तो हम बोलते हैं फैक आइसोमर। आप देख सकते हैं इधर ये वाला, ठीक। और अगर वो आपके इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ए ए ए बी बी और बी इस तरह से, ठीक है, तो इसे हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं? मेरिडियोनल आइसोमर बोलते हैं। तो ये फैक आइसोमर है और ये आपका मर आइसोमर है। और अगर हम इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखें। अगर देखो ये ए ए ए, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर बेस बना। आप क्या करो, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको इसके अंदर सिमेट्री दिखेगी, अदरवाइज आपको इसके अंदर सिमेट्री दिखाई नहीं देगी। तो आप क्या करो, इसको ऐसे बीच में से कट करो, ऐसे इस ए को इस बी को इंक्लूड करते हुए एक प्लेन बनाओ और यहां से कट करो। देखो कट करोगे तो दोनों साइड ए दोनों साइड बी, ये आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा जो कि ए और बी को इंक्लूड कर रहा होगा। तो क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रही बात? सेम चीज यहां तो आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन ले लो, इधर भी बी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी दोनों ही फॉर्म ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव फॉर्म होगी। समझ रहे हैं? चलिए मूव करते हैं अगले कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जिसका नाम है MA2B2। कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास? MA2B2C2। ये अपना फोर्थ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है। यहां मुझे देखना है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं और उनमें से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है तो आपको सिमेट्री देखनी है। अगर कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव सिमेट्री हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर आपका सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप पहले तो अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। अगर मैं एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाऊं, यह है एम, ठीक है, अरेंजमेंट देखो आपके पास अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं। तो पहले तो बनाते हैं सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होगा, जो सारे लिगेंड्स होंगे वो आपके सेम साइड होंगे, ठीक है। तो देखिए ए ए सेम साइड, बी बी सेम साइड, सी सी सेम साइड, तो ये इसकी सिस फॉर्म है। अब इस सिस फॉर्म में आप देखो क्या सिमेट्री ढूंढ सकते हो। देखो इस प्लेन के अलोंग कट करो, इधर ए इधर सी, बीच वाले प्लेन के अलोंग कट करो, इधर ए ए इधर बी और सी, इसके अलोंग कट करो इधर सी इधर बी, यानी यहां पर आपके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बताओ इसकी क्या मिलेगी आपको, मिरर इमेज मिलेगी, यानी एक इसका इनेंशियोमर भी यहां पर होगा। तो यहां पर एक इनेंशियोमर पेयर मिल जाएगा आपको। सबसे पहली चीज क्या मिलेगा, इनेंशियोमर पेयर अगर आप देखोगे तो वो एक होगा, सही है, इसका मिरर इमेज मिलेगा। चलिए तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो ऑप्टिकली कैसा है, एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको उसकी मिरर इमेज मिल गई। फिर चलते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म पर। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाऊं, देखो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, अब इसकी बहुत सारी ट्रांसफॉर्म बन सकती है, मैं यहां पे बनाना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। एक तो ट्रांस हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक, देखो एक ट्रांसफॉर्म तो ये बनेगी ए ए बी और बी बी ट्रांस, सी और सी बी ट्रांस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म है। इस ट्रांसफॉर्म में आपको दिख रहा है कहीं से भी कट कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये फॉर्म कैसी होगी, इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप देखो इसकी और फॉर्म्स भी हो सकते हैं, अगर आप और पॉसिबल फॉर्म्स देखो तो देखें एम, ये आपका ए है, ये ए है, ठीक है, अब दोनों बी क्या हो जाए, सेम साइड हो जाए,
तो हम इस फॉर्म को बोलेंगे ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली. ये सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, बी और सी आपके क्या है, सेम साइड है. ऐसे देखो इसकी एक और फॉर्म बन सकती है, जब क्या होगा एम, और देखो क्या होगा, अब बी को ट्रांस रख ले तो दो बी ट्रांस है, ठीक है. मान लो दोनों ए आपके सेम साइड है और दोनों सी आपके क्या है, सेम साइड है, सही है. ऐसे अगर आप देखोगे तो एक और फॉर्म अगर मैं इसकी बनाने की कोशिश करूं तो उसके अंदर क्या होगा, ये मेटल, ये सी, इधर ए और ए सेम साइड होगा, इधर बी और क्या होगा, बी आपका सेम साइड होगा, बोल होगा. तो अब अगर आप यहां पे काउंट करने चलो तो इसकी एक ट्रांसफॉर्म तो ये है, इसके अलावा इसकी और कौन कौन सी ट्रांसफॉर्म बन रही है. देखो एक ये बन रही है जो ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए है, आप बोल सकते हो दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू सी. तो अगर आप इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करो तो एक, एक इसकी मिरर इमेज, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स तो आपको कितने मिलेंगे, सिक्स, ठीक. अगर आप यहाँ पे एनेंचियोमर्स देखो या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स दो होंगे, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. और अगर आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास टोटल कितने होंगे, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे. तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में आप आसानी से क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स को काउंट कर सकते हो. मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, अगर लेट्स से अपने पास है कोबाल्ट, एक है NH3 होल ट्वाइस, Cl2 Br2 माइनस, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है. तो देखो Ma2 B2 C2, आपसे पूछ लिया कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे या फिर कितने ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, कर सकते हैं. सेम ऐसे ही देखो एक और छोटा सा केस जो तो आपको याद ही रखना होगा, यहां आप कैलकुलेट करने चलोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. MABCDEF, जब एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए सारे ही लिगेंड्स डिफरेंट हो तो उस केस में क्या होगा. तो देखिए इस केस में आपको काउंट ही करने पड़ेंगे अगर आप काउंट करना चाहते हो, वैसे जरूरत नहीं है आपको काउंट करने की. मैं बता तो देता हूं आपको केस, पर आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा और चीजों को याद रखना होगा. तो ABCDE और F, अब आप एक बार A को फिक्स कर दो, यहां एक बार B रखो, फिर C रखो, फिर D रखो, फिर E रखो, फिर F रखो, ठीक है. ऐसे ही फिर आप B को फिक्स करके अगेंस्ट अपोजिट जाओ. इस तरह आप अलग अलग अरेंजमेंट बनाओगे तो आपके पास टोटल ऐसे 15 अरेंजमेंट बनेंगे. कितने बनेंगे, 15. यहां आप कोई PNC कोई मैस नहीं लगा सकते, मैंने सब लगा के देख चुका हूं. अगर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो मैं आपको जरूर बताता, लेकिन ऐसी कोई मैथ्स इसमें नहीं बैठती है, इसलिए आप डायरेक्टली याद रखें इस कॉम्प्लेक्स की टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे 15 बनेंगे. कितने बनेंगे, 15, और 15 के 15 ऑल 15 विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. कोई सिमेट्री नहीं होगी, आपको दिख रहा है जब सारे ग्रुप्स ही डिफरेंट है तो सिमेट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है. सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और इन सब की क्या बनेंगी, 15 मिरर इमेजेस बनेंगी. क्या बनेंगी, 15 मिरर इमेजेस. तो अगर आपके पास टोटल स्टीरियोआइसोमर्स देखे जाएं तो वो जाएंगे 30, इनमें से 15 होंगे GI और 15 होंगे उनके इनेंशियोमेरिक पेयर्स. तो 15 इनेंशियोमेरिक पेयर्स बनेंगे, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 30 होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 15 होंगे. और आप इसको याद रख लो तो बढ़िया है, अगर कभी बाय चांस मिल जाए तो आपकी लॉटरी लग चुकी है, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं, समझे इस बात को. तो ये थे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और उनके अंदर आइसोमेरिज्म विद मोनोडेंटेड लिगेंड्स. अगर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो उस केस में फिर हम कैसे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिसाइड करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप इसे कॉपी कीजिए. चलिए तो अब बात करते हैं जब हमारे पास क्या होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे. जैसा हमने स्क्वायर प्लेन में डिस्कस किया था, बाइडेंटेड लिगेंड्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक असिमेट्रिकल, ठीक है. तो अब सिंपल यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट दैट इज कॉम्प्लेक्सेस विद बाइडेंटेड लिगेंड्स. तो अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड के केस में बात करें तो पहला एग्जांपल लेकर चलते हैं. सबसे पहला एग्जांपल दिमाग में आता है, आपके भी आया होगा, कि मान लो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और इसे तीन लिगेंड है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6. चलिए तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाने चलें तो बहुत ही ध्यान से देखें आप, वही हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं बाइडेंटेड लिगेंड इसके साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. ये चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं आपके,
अब अरेंजमेंट कैसा होगा, एक ए इधर एक इधर बाइडेंटेट लिगेंड बन गया, एक ये ए और ये ए अटैच होगा, और एक आपका ये वाला ए और ये वाला ए अटैच होगा। तो इस तरह से आपका अरेंजमेंट बनेगा। अगर आप फ्री फॉर्म में इसके बॉन्ड्स देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे बनेंगे, ये वाला ए और ये वाला ए, एक ही नीचे वाला ए और इस वाले साइड वाला ए, ऐसे ये एक ऊपर वाला ए और ये वाला ए, ये तीनों इस तरह से कनेक्ट होंगे और मेटल के साथ टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बोलो दिखाई दे रहा है? अब आप कोई भी अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि तीनों लिगेंड सेम है तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगर आप जीआई की बात करोगे तो यहाँ जीआई नहीं है, क्योंकि अगर आप इस ए को यहाँ ले आते हो तो आपको इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर से आपकी ज्योमेट्री क्या बनने वाली है, सेम। तो इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई सिमेट्री भी नहीं दिखेगी आपको, सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो बोल रहे हो सेम अरेंजमेंट है फिर बोल रहे हो सिमेट्री नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। देखो आप अगर इसको ऐसे कट करोगे, ऐसे तो ऐसे कट कर रहे हो, मतलब आप देखो ऐसे कट कर दिया अगर आपने बाई चांस, इसको आप बोलोगे इधर भी ए है इधर भी है, नहीं है, आपने इसका बॉन्ड तो कट कर लिया, साथ में नीचे वाले का भी बॉन्ड कट कर लिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसको कट करना है तो मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे ये वाला प्लेन अगर मैं इस वाले प्लेन को लूं तो देखो इस प्लेन में सिर्फ ये ए आएगा, ये वाला नहीं आएगा, मतलब मैं मॉलिक्यूल को कट कर रहा हूं, वो मैं नहीं कर सकता हूं। तो आप इसको कहीं से भी कट कर लो, ऐसे कट करोगे तो आप ये बॉन्ड कट कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली यहां पर कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ये फॉर्म इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो साथ में क्या मिलेगी आपको, इसकी मिरर इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी? मिरर इमेज। तो जीआई तो शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो कितने होंगे, जीरो, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके टू होंगे, या फिर आप बोल सकते हो इसके पास एक इनेंशियोमर पेयर होगा। क्या होगा? एक इनेंशियोमेरिक पेयर होगा। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे टोटल, वो आपके दो काउंट होंगे, क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो भी किसके अंदर काउंट होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में ही काउंट होते हैं, आप सब जानते हो, सही है। चलिए अब क्या करते हैं, एक बाइडेंटेड लिगेंड को एक्सचेंज कर देते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड से, मतलब अब आपका कॉम्प्लेक्स बन गया ये एम ए ए होल ट्वाइस ए टू, ठीक है, या ऐसा कर लो बी टू लिख लो, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो बी जो है ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब इस केस में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी? हो सकती है, बनाकर देखते हैं। तो देखें ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एम, ये चार बॉन्ड है। आप देखो मैं दोनों ए को सेम साइड बिठा लूं, ठीक है, सेम साइड कैसे होगा, ये है ए है और ये ए है, तो एक डबल बॉन्ड तो ये बन गया, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कनेक्ट होगा आपस में, और दोनों बी को एक जगह बिठा लूं, तो देखो ये तो मेरी कौन सी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई। वहीं अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जो आपके दो बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे लाइक दिस, सही है, इनको कनेक्ट कर लो, ये हटा के ऐसे, ये हटा के इसको कनेक्ट कर लो, और दोनों बी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ चुकी है, ट्रांसफॉर्म। अब देखो ट्रांसफॉर्म तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री है। अब सिस फॉर्म को देखो, सिस फॉर्म में आपको कोई सिमेट्री नहीं दिखाई देगी। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे इस प्लेन के अलोंग तो बी और ए आएगा नीचे, ऐसे कट करोगे तो इधर ए ए इधर ए बी, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। तो देखें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, थ्री, एक दो और तीन। अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर ढूंढोगे तो कितने होंगे, टू, और अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर देखोगे तो वो भी कितने होंगे, टू, और अगर आप इनेंशियोमेर पेयर देख रहे हो तो वो सिर्फ कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी? एक ही होगी। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो इसे आप कॉपी करें, और फिर मैं आपके सामने दो और कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, एक एम ए ए बी फोर, इसमें आप चेक करें कि क्या आपके पास आइसोमेरिज्म होगी या फिर नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल होगी ऑप्टिकल होगी दोनों होंगी, कितने आइसोमर होंगे कितने आइसोमर नहीं होंगे, ये आपको यहां पर चेक करना है। चलिए हो गया, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर होगा नो जी आई एंड नो ओ आई, ना तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। क्यों? बनाओ भाई कॉम्प्लेक्स को, देखें एम ए ए, ये तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया,
इधर बी, इधर बी, इधर बी, इधर बी, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म, अगर आप इसको सिस बोलोगे तो फिर ट्रांस भी यही है, देखो बी इधर भी है और बी इधर भी है। इसका कोई और फॉर्म आप बनाओगे, आप सिर्फ ए को शिफ्ट कर सकते हो, बाकी सारी पोजिशन सेम है, तो इवेंचुअली क्या होगा, आप मॉलिक्यूल को सिर्फ रोटेट कर रहे होंगे, इसका और कोई कॉन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जी आई शो नहीं करेगा, दूसरा देखो ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर भी नीचे भी, ये ओ आई भी शो नहीं करेगा। तो ना तो ये जी आई शो करेगा, ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए तो फिर इसके बाद हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर। देखो ये वाला फोर्थ एम आपके पास है, ए ए होल्ड ट्वाइस, बी टू की जगह बी और सी कर दूं, तब मेरे पास कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, बनाए। चलिए देखें, पहला सिस फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले तो हम, एम इधर बनाओ ए, इधर बनाओ ए, इधर बनाओ ए, इधर बनाओ ए, सिस साइड हो गई, और यहां पर कौन आ गया, बी और सी, सही है। तो ये इस बाइडेंटेड लिगेंड के रिस्पेक्ट में कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, और देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी, साथ में क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। बोलो क्या आपको दिखाई दे रही है। फिर हम बनाते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ए को अपोजिट साइड रख देता हूं, तो ये एक ए और ये दूसरा ए, सही है। अब आपके पास क्या होगा, एक बी यहां आ गया और एक सी यहां आ गया, तो इसकी ट्रांसफॉर्म है। अगेन देखो इस ट्रांसफॉर्म में भी कोई सिमेट्री नहीं है, दिस इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए ए। तो यहां देखो अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढो, तो अगर मैं इसको ऐसे बीच में से कट करूं, तो देखो दोनों साइड क्या है, सिमेट्री है, ए है, तो ये फॉर्म आपकी कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, इसके केस में मिरर इमेज फॉर्म नहीं होगी, सही है। तो देखो एक सिस फॉर्म ये रहा, दूसरा ट्रांसफॉर्म आपके पास ये रहा। अच्छा अब इनके अलावा इसका कोई और फॉर्म पॉसिबल है क्या, सोचो, ये मेरे पास फॉर्म आ गया और ये मेरे पास दो फॉर्म आ गए, तो इसके अलावा इसका और कोई फॉर्म पॉसिबल नहीं है। फिर मैं एक और फॉर्म ट्राई करके देख लेते हैं, मुझे लग रहा है दिमाग में आ तो रहा है, एम ये बनेगा ए, ये बनेगा ए, ठीक है। आप एक काम करो, अगर यहां पर था बी और सी, तो बी और सी को एक्सचेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आपके पास बस यही इसके फॉर्म्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा आप इसकी कोई और फॉर्म नहीं बना सकते हो। तो काउंट करें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, थ्री, वन टू एंड थ्री। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, टू। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, टू। और जो आपके पास इनेंशियोमेनिक पेयर बनेगा वो कितना होगा, वन। कर सकते हैं एम ए ए होल्ड ट्वाइस बी सी में, ये आपके पास टोटल तीन आइसोमर्स होंगे, क्लियर। चलिए मूव करते हैं आगे, आगे हम मूव करते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, देखो एम ए ए होल्ड ट्वाइस क्या हो चुका है, बी सी आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है, एम ए ए होल्ड ट्वाइस बी सी। हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पर, अगले कॉम्प्लेक्स के ऊपर, विच इज आर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज एम ए ए। देखो दो कोऑर्डिनेशन नंबर तो ए ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लेते हैं बी टू और सी टू, और यहां देखते हैं कि हम यहां पर कितने स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बस जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले का फॉर्म ले लेंगे, तो आपको पहचानना होगा कि वहां पर आपके पास कौन से सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन से आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, और फिर स्ट्रक्चर बनाकर देखना होगा कि उनके सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म क्या क्या बन सकती है और उनके पॉसिबल आइसोमर्स क्या क्या हो सकते हैं, सही है। चलिए तो फिर से बनाते हैं, देखें इस केस के अंदर पहले हम बनाएंगे इसकी सिस फॉर्म, क्या बनाएंगे सिस फॉर्म, एम ए ए, ये ए और ये ए, ये तो गए दोनों कौन से लिगेंड, सॉरी दो तो है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ एक ही है बाइडेंटेड लिगेंड, तो यहां बिठा दो बी को और यहां बिठा दो सी को। तो देखो ये हो गई इसकी सिस फॉर्म, आपको दिख रहा है, अगर मैं ऐसे कट करूं तो बी और सी, बीच में से कट करूं तो ए और बी सी, मतलब ये बेसिकली आपकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है तो साथ में क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, सही है। अब हम बनाते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म, तो देखो ट्रांसफॉर्म कैसी बनेगी, ट्रांसफॉर्म में एक तो आपके पास आ गया ए ए ग्रुप, ठीक है। अब या तो आप ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी बनाओगे, ठीक है,
या फिर आप ट्रांस बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू सी. तो ये दो ट्रांसफॉर्म्स आपकी पॉसिबल हैं, ए ए सी और सी. यहां कौन आ जाएगा, बी और बी. और देखो दोनों में ही यहां से कट करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से भी कट करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इनके कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये इसकी है ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये कौन सी है, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू सी. बोलो कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा कोई और फॉर्म हमारे पास पॉसिबल हो तो वो तो कोई फॉर्म है ही नहीं. अब क्या हो गया, तो सी को इधर ले आओ और बी को इधर ले आओ, तो फिर से वही सिस वाली फॉर्म हो जाएगी, बस आपने फ्लिप कर दिया होगा. तो यहां अगर हम काउंट करें, बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 4 होंगे. बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 3. ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए 2, और जो इनेंशियोमर पेयर्स होंगी वो कितनी होगी, 1. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं. तो ये है हमारा एक और कॉम्प्लेक्स विच इज एम ए ए बी टू एंड सी टू, जिसके अंदर ये आपके पॉसिबल आइसोमर्स हैं. तो आपको बेसिकली फॉर्म बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ये देखना है कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, उसी हिसाब से आप इनके अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं. चलिए इनमें आप काउंट कर सकते हैं, तो हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला कॉम्प्लेक्स. देखो अभी तक के केसेस में आपके पास क्या थे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स थे. अब अगर मेरे पास एक असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, फॉर एग्जांपल दिस केस एम ए बी होल थ्राइस, तीन लिगेंड्स हैं और तीनों के तीनों ही कैसे हैं, असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं. तो हमें बताना है कि इनमें कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और कितने आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे. करें शुरू. चलिए तो बनाएं वापस इसकी स्ट्रक्चर. अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, एम ए बी सही है, ये ए और बी और ये बी और ए. तो देखें ये एक बाइडेंटेड लिगेंड, ए बी आपका बाइडेंटेड लिगेंड, और साथ में क्या बना, बी ए, ये भी क्या हो चुका है, आपका बाइडेंटेड लिगेंड हो चुका है. देखें सारे तीनों के तीनों ए सेम साइड, तीनों के तीनों बी सेम साइड, ये आपका कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा. कौन सा होगा, सिस फॉर्म. और इसमें आपको कहीं पर भी सिमेट्री नहीं दिखाई देगी, तो साथ ही साथ क्या मिलेगा. अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो मेरा ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है पूरा पूरा, सही ना. तो मैं इसको ऑप्टिकली एक्टिव ही मान के चलूंगा, और इसकी जो सिस फॉर्म होगी तो इसकी क्या होगी, साथ में मिरर इमेज भी फॉर्म हो रही होगी. क्या फॉर्म हो रही होगी, मिरर इमेज फॉर्म हो रही होगी. वहीं अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्म बनाएं, तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, देखो ये एम, ठीक वही आपको वापस से बॉन्ड्स कनेक्ट करने हैं अपने, तो ध्यान से देखना, ये हो गया ए और ये हो गया बी, असिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड. अच्छा असिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड के एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूं, जैसे ग्लाइसिनेटो, जी एल वाई, NH2CH2CO- है ना, इस तरह के जो आपके लिगेंड्स होते हैं, एक होगा ए यहां और बी यहां, एक होगा ए यहां और बी यहां होगा. तो इस तरह से देखो इसकी ट्रांसफॉर्म बनेगी. और अब अगर आप इस ट्रांसफॉर्म में सिमेट्री देखने जाओ तो मिलेगी नहीं. आप बोलो कि सर मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं, ऐसे ऐसे पूरे इसको इंक्लूड कर लेता हूं, तो देखो ऊपर ए और नीचे ए दिख रहा है आपको, तो आपको लगेगा इसमें सिमेट्री है, लेकिन एक्चुअली आपने इस असिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड के दो एटम्स को भी इंक्लूड कर लिया है, तो वो काउंट नहीं होगा. सिमेट्री ऐसे होती, ये कनेक्टेड होता और आप बीच में से कट करते हैं. तो बेसिकली इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, ये भी इसकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, इसकी भी मिरर इमेज मिलेगी. क्या मिलेगी, इसकी भी मिरर इमेज मिलेगी. तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखो तो मिलेंगे 2, सिस और ट्रांस. ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो तो मिलेंगे 4, और अगर आप टोटल स्टीरियो आइसोमर्स देखो, देखो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, चार ही आपके पास क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे. स्टीरियो में 6 मत कर देना, ऐड कर दो, इसको दो बार काउंट कर लोगे आप, इसलिए समझ रहे हैं. तो ये तो आपका बाइडेंटेड लिगेंड का केस, जब आपके पास क्या है, तीनों के तीनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है. अब एक लास्ट केस देखो, और बहुत सारे केसेस है कवर करने को, बट इतने आपसे नहीं पूछे जाते हैं, जितने मैंने बताए उतने में से ही कुछ पूछ ले तो ही बहुत है, उससे आगे तो कभी जाएगा ही नहीं वैसे भी. तो आप देखें एम ए बी थ्री होल थ्राइस है, एक और लास्ट केस हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं. अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स हो कुछ इस टाइप का, विच इज एम ए बी होल ट्वाइस सी टू,
मतलब दो तो असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और एक आपके दो आपके पास क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है सेम टाइप के। तो देखिए फिर से आप यहां पर सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना, यहां आपको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। एम हम पहले सिस फॉर्म बनाते हैं, तो दोनों सी को तो सेम साइड बिठा लो। अब देखो ये बी सही है और ये बी, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों कनेक्ट होंगे ऐसे, दोनों कनेक्ट होंगे ऐसे, ये इसकी सिस फॉर्म है। देख रहे हैं इसमें कोई सिमिट्री नहीं होगी, तो साथ में क्या बनेगी, इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी। सही है। अब देखना, अभी आप अगर गौर करें इस पे, तो यहां पर ए और ए अपोजिट साइड है। अभी मैं इसमें और अरेंजमेंट बना सकता हूं, इसको उल्टा कर दूं, तो जैसे इसको उल्टा कर दूं तो ये फॉर्म फिर से सिस फॉर्म ही कहलाएगी, क्योंकि मेरे दोनों सी लिगेंड्स जो हैं वो सेम साइड हैं। ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, अब हो जाएगा उल्टा, यहां आ जाएगा बी और यहां आ जाएगा ए। बोला ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। अब देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहां दोनों ए अपोजिट थे, यहां ए और बी अपोजिट है, यानी एक फॉर्म ये और हो गई, इसकी भी साथ में क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। हाँ तीसरी आपने खुद सोच लिए ना। हाँ तीसरे में क्या होगा, दोनों बी अपोजिट साइड आ जाएंगे, मतलब जो तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा इसका वो कुछ ऐसा होगा, ये एम, ये सी और सी, सी को तो छेड़ो ही मत, तो यहां बी और यहां ए, और यहां पर भी बी और यहां पर ए। तो अब देखो दोनों बी अपोजिट साइड आ चुके हैं, और क्या होगी, साथ ही साथ इसकी भी मिरर इमेज फॉर्म होगी, क्या होगी, मिरर इमेज फॉर्म होगी। तो देखो छह ऑप्टिकल आइसोमर्स तो यही आ गए, आ गए, इसको उड़ा दूं ना मैं। चलिए तो अब आप देखें, इसके बाद ट्रांस आइसोमर की बात करते हैं। तो भाई ट्रांस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ट्रांस में एक पॉसिबिलिटी तो यही आएगी कि एम, ये सी, ये सी, ये ए और ये बी, और इधर ये ए और ये बी। देखो कट करोगे दोनों साइड क्या है, सिमेट्री है क्या, नहीं है ना, तो साथ में क्या बनेगी, इसकी भी मिरर इमेज बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, कुछ भी कट करो, अरे यू कौन कट रहे, यू कट करो, जैसे यू कट करोगे ऊपर नीचे सी होगा, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बताओ ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अरेंजमेंट पॉसिबल, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अभी यहां पर दोनों ए अपोजिट है, बी को इधर घुमा लो, तो इसका एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, ऑल्दो अगेन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि हम सी की पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम बाइडेंटेड लिगेंड के एटम्स को चेंज कर रहे हैं। तो यहां आ जाए बी और यहां आ जाए ए। अब सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, लेकिन ये दोनों ए सेम साइड है, ए के अपोजिट बी है, यहां पर ए के अपोजिट ए था, तो ये एक और स्ट्रक्चर, और ये भी कैसी होगी आपकी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो पहली बात काउंट करें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्टिकल आइसोमर्स 6 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। और अगर आपसे इनेंशियोमेरिक पेयर्स पूछ ले तो उसका आंसर होगा 3, कितना होगा 3। तो ये थी आपकी आइसोमेरिज्म इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। आपने देखा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होती नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, वो भी तब होती है जब कायरल सेंटर हो, यानी चारों के चारों लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट टाइप के हो। लेकिन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, वहां पर क्योंकि स्क्वायर प्लेन पूरा ही एक प्लेन में लाई करता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हम नहीं करते हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें कायरल सेंटर है, तो फिर उस केस में वो क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोगों ने यहां पे कवर किए। चलिए कॉपी करें इसे आप। चलिए तो ये थी आपकी आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और यहीं पे खत्म होता है अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी हाँ, ऑलमोस्ट 12 से 13 लेक्चर हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हर एक पॉइंट मैंने इस चैप्टर में कवर किया है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे सीखने को मिली, लाइक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बॉन्डिंग का पैटर्न क्या होता है, और किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हम करेंगे
आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा लंबा लेंदी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टेल हाउ मेनी डाइस्टेरोमर्स आर पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आपके बताना है कि आपके पास कितने डाइस्टेरोमर्स पॉसिबल हैं। तो बेसिकली डाइस्टेरोमर्स आपके ऑप्टिकली इनेक्टिव आइसोमर्स को भी आप काउंट करते हो। किसको काउंट करते हो? ऑप्टिकली इनेक्टिव आइसोमर्स। आपने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव और इनेक्टिव सारे काउंट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकली इनेक्टिव एक्टिव आइसोमर्स। तो जो आपके पास ऑप्टिकली इनेक्टिव आइसोमर्स बच जाएंगे उनको आपको यहाँ पे डाइस्टेरोमर्स की फॉर्म में काउंट करना होगा। यहाँ पे काम करो, आप तो हटाओ इसको, आप तो सिंपल काउंट करो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। आपको ये काउंट नहीं करना है, आपको काउंट करना है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करना है। करना शुरू करें। चलिए देखिए, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स CrNH3 होल ट्वाइस Cl4। अगर आप फॉर्म उस फॉर्म में बनाना चाहते हो तो ये हो गया Ma2B4 टाइप। ठीक है, तो जरूरत नहीं वैसे बनाने की, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। देखो ऑप्शन ए को आप चेक करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, Cr। चलिए पहले इसकी सिस फॉर्म बनाते हैं। तो सिस फॉर्म में जो दो NH3 है उनको सेम साइड रख लो और बाकी क्या आ जाएगा, Cl 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 एंड Cl। बोलो होगा। अब अगर आप इसको इस प्लेन के अलोंग कट करो, देखो इस प्लेन के अलोंग, तो आपको सिमेट्री दिखाई देगी इस वाले डायगोनल प्लेन की तरफ। ठीक है, तो ये इसका सिस फॉर्म होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा होगा। और इसका ट्रांसफॉर्म बनाओ तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, ट्रांसफॉर्म में दोनों NH3 अलग अलग चले जाएंगे, यहां पर क्या बचेगा आपका Cr Cl 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 और Cl। और ट्रांसफॉर्म भी कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके दो ही डाइस्टीरियोमर्स हैं, और ये आप स्टीरियो आइसोमर्स भी काउंट कर लो तो वो भी आपके दो ही होंगे। सही है, चलिए मूव करते हैं बी पार्ट पर। कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, CONH3 होल 5 Br। जैसा मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ये कोई GI शो नहीं करेगा, कोई OI शो नहीं करेगा। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने होंगे, जीरो, क्योंकि आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं रहा है। सही है, चलिए मूव करते हैं थर्ड, CFeCl2 NCS होल ट्वाइस। मैं उड़ा दूं। देखिए थर्ड केस में क्या है आपको डिस्कस करना है, FeCl2 NCS होल ट्वाइस। देखो ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, लेकिन है तो मोनोडेंटिटी, यानी ये आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो देखें FeCl Cl NCS NCS। ठीक है, Fe+2 स्टेट में है, आपके पास कॉन्फिगरेशन आएगा 3D6। तो ये DSP2 के हिसाब से क्या बनाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, सिस, और दूसरी इसकी फॉर्म कौन सी बनेगी, ट्रांस, जहां पर दोनों Cl क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे। तो ये सिस फॉर्म, ये इसकी हो गई कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, है ना। और आपके पास क्या बनेगा, यहां पर सिंपल दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी आपके पास क्या शो नहीं करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। सही है, एक बार आप ये जरूर चेक कर लें कि Fe यहां पर कौन सी स्टेट में है। देखो प्लस टू स्टेट में है, तो ये बनाएगा 3D6 4S2 कॉन्फिग्रेशन, 3D6 बनाएगा, 4s से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 3D6 में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करें 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास NCS है, Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, एंड NCS में आपका नाइट्रोजन डोनर है, तो ये आपका रिलेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। अगर ये टेट्राहेड्रल हो जाता तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता था। चलिए मूव करते हैं डी, प्लेटिनम यहां पर कौन सी स्टेट में है, देखो प्लस टू स्टेट में है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, प्लेटिनम तो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। फिर से यहां पर आपको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट इज CONSCN होल 4। EN यहां पर एक बाइडेंटेड लिगेंड, और वो भी सिमेट्रिकल, इथाइलिन डाई अमाइन। तो इस केस को अगर आप देखोगे तो CONEN ये बना SCN होल 4, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया किस टाइप का, M, एक तो है आपके पास EN, ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं EN,
इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन मैच ने सेटिस्फाई कर दिए। बाकी यहां पर आएगा एस सी एन और ये बन गया एस सी एन, ठीक है। अब आपको दिख रहा है अगर मैं इस प्लेन के अलोंग ले लूं तो इसमें आपको सिमेट्री दिखाई देगी। मैंने आपको भी एग्जाम्पल भी दिया था इसका, इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसके अलावा इसका कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो ना तो इसमें कोई जी आई होगी, ना ही इसमें कोई ओ आई होगी, और इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो भी कितने होंगे, जीरो। तो ई वाले पार्ट में आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे, जीरो। इस तरह आओ एफ वाले पार्ट में, सी आर एन एच थ्री होल ट्वाइस एच टू ओ होल ट्वाइस सी एल टू, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया एम ए टू बी टू और सी टू टाइप का। अब कर लोगे, मैंने सिखाया था आपको ऐसे। देखो ये वाला आर यू एन एच थ्री होल थ्राइस आई थ्री, ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया, एम ए थ्री बी थ्री टाइप का। इसके अंदर आपके बनते हैं फैक एंड मर, फेशियल एंड मेरिडोनियल दो आइसोमर बनते हैं, और दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए था, आपको एक बार दोबारा से खुद से बनाकर इस क्वेश्चन की क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, सही है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखें जो आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ध्यान देना, आपसे पूछा है नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन पी टी ई एन होल ट्वाइस सी एल टू टू प्लस। तो पहला स्टेटमेंट, इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। देखो पी टी प्लस टू में है, बताओ कितने हैं, चार, चार है ना, नहीं, हाँ छः हैं, छः। कैसा है, इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है यहां पर इसका। तो अगर आप इसके लिए स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो पीटी, ये बन गया इथाइलिन डायमाइन, इधर भी ले लो इथाइलिन डायमाइन, इधर सीएल, इधर सीएल, तो ये तो हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म, सिमेट्री आएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिस फॉर्म अगर मैं इसकी बनाऊं, तो यहीं पे बना लेते हैं, सिस फॉर्म में देखो क्या होगा, ये पीटी, ठीक है। अब आप क्या करो, इधर ईएन को ले लो सेम साइड, ये ईएन और इधर ईएन, और इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। अब आप देखो यहां पे आपको सिमेट्रीन दिखेगी, नहीं है ना, इसका मतलब साथ में क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो इसकी सिस फॉर्म कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस फॉर्म कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें नॉट ट्रू बताना है, यानी इनकरेक्ट बताना है। सेकंड, बोथ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर डिस्प्ले ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यही हो गया गलत, बस यही मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, सिंगल चॉइस से आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ओनली द सिस आइसोमर डिस्प्लेज ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिल्कुल सही, ओनली द सिस आइसोमर हैज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी तब जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी, यानी ए सी डी और सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिस, चलिए दोनों के लिए काउंट करें और फटाफट से बताएं क्या आंसर आएगा, हो गया। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.2। देखिए सिंपल है, सी ओ एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल फोर, तो अपने अभी भी डिस्कस भी किया था, सी ओ एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल फोर में दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक बार दोनों एस थ्री सेम साइड क्योंकि बाकी तो सारे क्लोरीन है, और एक बार दोनों अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, ये देखो दो क्लोरीन दो बीआर, दो ही केस पॉसिबल, एक बार दोनों सीएल और दोनों बीआर सेम साइड, एक बार दोनों अपोजिट साइड, तो इसके भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसके भी दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सही है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये कह रहा है बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय, इन चार को आपको चेक करना है, दोनों कंडीशन ज्योमेट्रिकल भी शो करना चाहिए, ऑप्टिकल भी शो करना चाहिए। तो देखें पहला ऑप्शन गया, पांच ग्रुप सेम है, ज्योमेट्रिकल शो ही नहीं कर सकता, ऑप्टिकल की तो बात ही मत करो। ये देखो अभी भी उन्होंने डिस्कस किया, जो आपने देखा दो सीएल सेम साइड होंगे तो आपका क्या बनेगा, सिस फॉर्म, ठीक है, बाकी सब क्या होंगे, एनएच थ्री एनएच थ्री एनएच थ्री और एनएच थ्री। तो अगर आप इसको एक प्लेन बना लो तो देखो सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको, तो ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, सिस ट्रांस बनाएगा, लेकिन साथ में ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, तो ये भी गया। अब बचा ए और डी केस, डी केस क्या है, ऑक्सलेट इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये एम ए ए होल थ्राइस टाइप बन गया,
तो अगर मैं इसकी सिस फॉर्म बनाऊं ए और ए, ए और ए, ए और ए, ठीक है। अब इसमें सिस ट्रांस कुछ नहीं है, सारी सेम है, ट्रांस आप बना ही नहीं पाओगे इसकी, क्योंकि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखो इसमें सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, लेकिन इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो ये भी गया, ये ऑप्टिकल तो शो कर रहा है लेकिन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है। बचा सिर्फ ये COEN होल ट्वाइस, तो आप देखो COEN होल ट्वाइस की जो सिस फॉर्म होगी वो ऑप्टिकली क्या होगी, एक्टिव। सिमेट्री नहीं है, सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म तो बनेगी बनेगी, तो इसके साथ में मिरर इमेज भी बनेगी। तो ये वो कॉम्प्लेक्स है जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, समझ रहे ना। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बनानी है, ये देखना है कि उसके कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल है, और ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करके ही आप इस पार्ट में परफेक्ट हो सकते हो। और देखो जेई में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गलती से आंसर भी साथ में ही आ गया है, मतलब आप क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। देखें जेई 2009 का क्वेश्चन, द कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर, इनमें से कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखें PTENCl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी PTEN होल ट्वाइस Cl2, तो यहां पर तो और भी केस बिगड़ गया है क्योंकि ये Cl तो बाहर के हो गए, होगा ही नहीं। सी ऑप्शन PTEN होल ट्वाइस Cl2, तो देखें यहां पर आपका ये ट्रांसफॉर्म हो गया और सिस फॉर्म आपको बनानी आती है, जब क्या होगा ऐसा EN, ये Cl और ये Cl, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, दो NH3 सेम साइड सिस फॉर्म, अपोजिट साइड क्या बनेगा आपका, ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो इस तरह से कई छोटे छोटे और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके पास ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पूछे जा सकते हैं। जो काम की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि आइसोमेरिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन और प्रैक्टिस वाला पार्ट है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाओगे, और उसी के लिए मैंने आपको साथ में मटेरियल दिया हुआ है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने चूज़ कर करके क्वेश्चन डाले हुए ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, और जब एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सको। तो मेरी तरफ से आपका चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स खत्म होता है। सारी वैरायटीज मैंने यहाँ पे कवर की, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब आपका काम है बहुत ढंग से लेक्चर्स को रिवाइज करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और एग्जाम में उन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है, फोड़ के आना है, फोड़ के। चलिए तो हम लोग खत्म करते हैं अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। बेस्ट ऑफ लक।